फासला और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के तहत 1,164,53,00,000 रुपए की राशि मंजूर की। इसके चलते यहां पर 2017 से 2023 के मध्य स्थापित उद्योगों को सब्सिडी मिलेगी। इससे हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सिरमौर जिला में काला आम और पोंटा साहिब समेत इत्यादि क्षेत्रों में भी उद्योग इससे लाभान्वित होंगे। इसी को लेकर सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश सरकार की वित्तीय मदद कर रही है और प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत अनेक योजनाओं के माध्यम से सहायता की जा रही है। इसी कड़ी में जो केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में राशि प्रदान की है, उससे न केवल उद्योगों को लाभ होगा बल्कि नए उद्योग भी इससे प्रोत्साहित होंगे। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में मदद कर रही है और समय समय पर योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2643,00,000 की राशि 254 सड़कों के लिए आवंटित की गई, तो वहीं आपदा काल में 11,000 घर बनाने में मदद की। अब औद्योगिक विकास योजना के तहत फिर से आर्थिक मदद की गई है, इससे प्रदेश में उद्योगों को लाभ मिलेगा। ये योजना UPA की सरकार ने बंद कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोबारा शुरू किया है और इससे प्रदेश के उद्योगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को निरंतर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए समय समय के ऊपर जो है अनेक स्कीमों के तहत राशि का आवंटन किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत 2643,00,000 रुपया 254 सड़कों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी आपदा के समय में 11,000 अतिरिक्त घर हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत करवाए गए और पिछले कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1,164,53,00,000 रुपया जो औद्योगिक विकास के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत जो हमारी प्रतिबद्ध योजना के तहत जो राशि दी जानी है उसको लेकर ये स्वीकृति की गई है। मैं समझता हूँ औद्योगिक विकास योजना जो 2017 से लेकर 2022 तक चलने वाली थी और अगले 5 वर्ष तक भी जो भी देनदारियां जो प्रतिबद्धित हैं जो प्रतिबद्ध जिनके बारे में कहा गया है उन देनदारियों को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद केंद्र के द्वारा की गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को निरंतर जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए केंद्र समय समय के ऊपर जो है विशेष आर्थिक मदद कर रहा है और केंद्र के द्वारा जिस प्रकार से अनेक योजनाओं के लिए इससे पहले स्पेशल स्टेट में धनराशि का आवंटन किया जाता है जो कि पूर्व UPA के समय में इसको बंद कर दिया गया था। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से जो है उसको प्रारंभ किया और आज जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में आर्थिक सहायता जो आज केंद्र से मिल रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।